हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लो। सो डियर, आज मैं बात करने वाला हूँ, सबों को बताने वाला हूँ कि हाँ, कि जो एग्जाम होने वाला है, जो 74 इंडिया बार एग्जामिनेशन का, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जो नए कैंडिडेट हैं उनको पता नहीं होता है। सो आज नए कैंडिडेट के लिए वीडियो है स्पेशली, और जो बच्चे वो है जो कि नहीं जानते इसके बारे में, उनको भी वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम अपडेट देने वाले हैं कि किस तरह का इसमें एग्जाम पैटर्न होता है। तो बेसिकली मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ करियर्स 360 का जो वेबसाइट, उन पर जाकर के ओके ना, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि पर्टिकुलर जो डिटेल्स जो है इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो एग्जाम होगा ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, वो होगा आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपका ये अवेलेबल रहेगा। तो देख लीजिएगा, आपको ऑनलाइन देना है ऑफलाइन देना है, दोनों अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, उसके बाद बाय द एग्जामिनेशन जो होगा सर्टिफिकेट, जो एग्जाम का जो मेन पर्पस जो होता है सर्टिफिकेशन बेसिस, तो आपका जो एग्जाम जो होगा ऐसा एग्जाम सर्टिफिकेट लेने के लिए हम कर रहे हैं। बेसिकली कोर्स में हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, COP लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक करो, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे डिटेल में। ओके ना, उसी तरह से एग्जाम ड्यूरेशन जो होता है 3 आवर्स 3 मिनट, 3 घंटा का आपको समय देगा ऐसा। ओके, एग्जाम ड्यूरेशन से 3 घंटा दिखा रहा, पता नहीं इतना है या नहीं, लेकिन 3 घंटा का दिखा रहा। ओके ना, तो आपके पास समय होगा। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उस टोटल नंबर जो होगा इसका 100 होगा, टोटल मार्क्स भी होगा आपका 100, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं भी जानते हो, पूरा बनाना है, पूरा फुल एकदम पूरा बनाना है, उसके लिए निश्चित रहना है एकदम पूरा अभी से ही। आप लोग प्रिपरेशन अभी से करो ताकि कभी भी आ सकता है। आप लोग जो भी वर्क कर रहे हो तो अलग बात है, वो करो, लेकिन ये इसका भी एग्जाम देना बहुत जरूरी है। आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है लो में, इस एग्जाम को देने के बाद ही आप एडवोकेट कहलाओगे, किसी के बिहाफ में आप प्रैक्टिस कर सकते, सॉरी किसी के बिहाफ में आप केस लड़ सकते हो, डेफिनेटली उसको जस्टिस दिला सकते हो। ओके, इस तरह का एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एग्जाम जो है आपका जो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके ना, तो चलिए, इस वीडियो में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको बस देना नहीं था, बस यही देना था कि इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना था, और भी बहुत सारे अपडेट्स अभी आएंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एग्जाम डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड, एग्जाम ठीक है, अप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे आपको हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेगा वीडियो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, आपको अपडेट में देते रहूँगा। ओके ना, तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी अपडेट्स मिलेगा उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि और बेल आइकन को भी ऑन कर देना है, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा हमारे चैनल पर। नहीं देख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको गाइड करूँगा। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू।